आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा के ट्रेलर का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और ये इंतजार भी खत्म हो गया है। फिल्म का ट्रेलर आ चुका है, लेकिन ट्रेलर आते ही ये फिल्म लोगों के निशाने पर आ गई है। आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा का सोशल मीडिया पर बायकट हो रहा है। सोशल मीडिया पर बायकट लाल सिंह चड्ढा ट्रेंड भी कर रहा है। दरअसल आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा हॉलीवुड फिल्म फॉरेस्ट गंप की आधिकारिक हिंदी रीमेक है। ये फिल्म OTT पर मौजूद है। ऐसे में लोग फिल्म को कॉपी करने से नाराज हैं। इसके अलावा लोगों का ये भी आरोप है कि खान ने पहले कई ऐसे बयान दिए हैं जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति के खिलाफ है। इसके अलावा आमिर खान की एक्स वाइफ किरण के पुराने बयान का भी अब एक बार फिर से विरोध किया जा रहा है। इसके अलावा जहां फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लोगों ने खूब पसंद किया और लोगों ने फिल्म के निर्देशक विवेक अग्नोत्री की भी काफी तारीफ की थी, वहीं बॉलीवुड में अपनी परफेक्शन और अपनी आने वाली फिल्म लाल सिंह चड्ढा को लेकर सुर्खियों में रहने वाले आमिर खान इसका विरोध कर रहे थे। आमिर खान और करीना कपूर, जिन्होंने फिल्म में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, अब उनकी भूमिकाओं के लिए लोग लगातार उनकी आलोचना कर रहे हैं। ट्विटर पर एक यूजर ने विरोध करते हुए लिखा, दोस्तों करीना कपूर खुद कहती है कि मैं अपनी फिल्म नहीं देखती हूं, तो मत जाओ उनकी फिल्में देखने। आप देखते रहिए 5 दरिया न्यूज एंटरटेनमेंट।